पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सुपरवाइजर का रोल क्या होता है पीएचडी में और कैसे सुपरवाइजर को सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि रिसर्च टॉपिक जो पीएचडी में होता है कैसे डिसाइड करना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर हम लोग को दिखना चाहिए। अगर सुपरवाइजर के पास प्रोजेक्ट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो क्या देखना चाहिए हम लोगों को। देखिए, रिसर्च टॉपिक बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन है आपके पीएचडी का, तो इस पर आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा। तो अगर इसमें आपको थोड़ा टाइम भी लग जाता है तो बिल्कुल टाइम दीजिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट है ऐसे बच्चों के लिए जिनको पता है कि उनका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। अगर जिनको पता है कि उनका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है तो आपको देखना है कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट आपके करियर गोल के साथ अलाइन कर रहा है कि नहीं। मतलब कि आप अगर उस टॉपिक में काम करते हैं तब आपका जो जॉब है, आपका जो करियर गोल है, कहाँ पे आपको जाना है, एकेडमिया में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, और कहाँ पे आपको जाना है, उस एरिया में काम करने के बाद आपको वहाँ पे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको ये देखना है। फिर आपको ये भी देखना है कि आपका जो रिसर्च टॉपिक है, आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है, आप कितना एक्साइट, आपको कितना मन लगता है उस फील्ड में काम करने में। अब दूसरा पॉइंट है उन बच्चों के लिए जिनको पता नहीं है कि उनका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। तो ज़्यादातर 98% बच्चे वैसे ही, ये मैंने डार्क एंड ब्राइट साइड ऑफ पीएचडी इन इंडिया मैंने ये डिटेल में बताया है। वैसे बच्चों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको देखना है कि आपने जो रिसर्च एरिया डिसाइड का, जो आपको सुपरवाइजर जिस एरिया में काम कर रहे हैं वो कितना डिमांडिंग है, वो कितना लेटेस्ट एरिया है, ये आपको अपने प्रोफेसर से नहीं पूछना, आप अपने सीनियर से पूछिए जो ऑलरेडी जो जॉब मार्केट में है, जो जॉब सर्च कर रहे हैं, तो वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि किस एरिया का कितना डिमांड है, क्या क्या चैलेंज है, क्या क्या डिफिकल्टीज है। फिर आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं कि आपके स्पेशलाइजेशन में कौन कौन सा लेटेस्ट रिसर्च एरिया चल, आप नेट पे भी देख सकते हैं, नहीं तो किसी एआई टूल का भी यूज कर सकते हैं। देखिए, आपका रिसर्च टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि जो ओल्ड टेक्निक पे नहीं हो, फ्यूचरिस्टिक टेक्निक पे हो। जब आप पीएचडी कंप्लीट कर ले तब आपको जॉब लेने में कोई दिक्कत नहीं हो, आपको इजीली प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपको इजीली इंडस्ट्री मिल जाए, आपको इजीली एकेडमिया में जॉब मिल जाए। जैसे आप थर्मल में काम करते हैं तो सीएफडी एनालिसिस है, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं 3D प्रिंटिंग, आपको जैसे सीएससी में काम करते हैं एआई टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल है जो आप अपने स्पेशलाइजेशन में सर्च कर सकते हैं। अब आपने लेटेस्ट एरिया तो देख लिया, लेकिन आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये देखना चाहिए कि अगर आपका एक्सपेरिमेंटल वर्क है तब आपके पास क्या क्या एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी है, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना चाहिए। और टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि जो बहुत छोटा ना हो और बहुत बड़ा भी नहीं हो, और वो टॉपिक विद इन टाइम फ्रेम वो मैनेजेबल हो और आप कम टाइम में पीएचडी कर। मतलब कि आपको देखना है कितना आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है, कितना आपके सुपरवाइजर के पास रिसोर्स अवेलेबल है, उस बेसिस पे आपके टॉपिक डिसाइड होना चाहिए, उसका रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिसाइड होना चाहिए, नहीं तो आपको ही दिक्कत होने वाला है। और ऐसे भी इंडियन रिसर्चर बहुत फेमस इसलिए है क्योंकि वो लिमिटेड अवेलेबल फैसिलिटी में बहुत अच्छा रिसर्च कर लेते, जिससे उनका डिमांड बाहर के फॉरेन यूनिवर्सिटी में पोर्टल अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत ही ज्यादा है। अब आपने फिजिबिलिटी देख लिया, अब आपने रिसर्च एरिया देख लिया जो कि लेटेस्ट है, तो अब आपको डिसाइड करना है रिसर्च टॉपिक। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अब आप क्या कीजिएगा, आप लिटरेचर रिव्यू कीजिएगा। लिटरेचर रिव्यू करने का मतलब आप अपने एरिया में रिसर्च एरिया बहुत सारा जर्नल आर्टिकल पढ़िएगा, रिसर्च आर्टिकल पढ़िएगा, वहां पे आप रिसर्च गैप एनालिसिस कीजिएगा, कहां कहां पे क्या क्या गैप है, कहां कहां पे काम नहीं हुआ, क्या क्या आपको गैप फिल करना है, ये सब वहां पे आप देखिएगा। आजकल बहुत सारा एआई टूल भी आ चुका है जहां पे आप रिसर्च गैप एनालिसिस भी कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद से पेपर को पढ़ के आप समझिए कि क्या क्या इसमें रिसर्च गैप। देखिए, इनिशियली आपको रिसर्च टॉपिक डिसाइड करने में टाइम लगेगा, और बिल्कुल टाइम दीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छा से रिसर्च टॉपिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव नहीं डिसाइड करेंगे तो आपका पीएचडी लेट होने लगेगा। शुरू में आपको अगर 3 महीना के जगह पर 6 महीना भी लगता है तो जरूर टाइम दीजिए रिसर्च टॉपिक डिसाइड कर। फिर आपको ये भी देखना है कि वो रिसर्च टॉपिक में करेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या मेथोलॉजी आप यूज कर रहे हैं जो आपके लैब में है कि नहीं, फिर क्या उस फील्ड में फ्यूचर क्या उस फील्ड में। अब आपने एक ब्रॉड रिसर्च टॉपिक बेस्ड ऑन लिटरेचर सर्वे डिसाइड कर लिया है, अब आपको सुपरवाइजर के पास जाना चाहिए और सुपरवाइजर आपके टॉपिक को रिफाइन कर देंगे, उनका यहाँ पे बहुत बड़ा रोल हो। फिर आपको अगला ये पॉइंट देखना चाहिए कि उस रिसर्च टॉपिक का प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशंस क्या क्या है। जैसे कि कोई ऐसा टॉपिक में आप काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ही डिमांडिंग है, जैसे ग्रीन एनर्जी में आप काम कर रहे हैं, वेस्ट टू एनर्जी पे काम कर रहे हैं, आप बायोफ्यूल पे काम कर रहे हैं,
ऐसे किसी टॉपिक में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट भी बहुत फंडिंग देती है आपको, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन मिल जाएगा, आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिल जाएगा, तो वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। लेकिन सारे बच्चे ऐसे टॉपिक पे काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जिस भी टॉपिक में काम करते हैं, जिस भी स्पेशलाइजेशन में, जिस भी एरिया में काम कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि वो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कितना बड़ा है। उससे आपको ये फायदा होगा कि आपको इंडस्ट्रियल जॉब मिलने में बहुत आसानी होगा, R&D लैब में जॉब मिलने में बहुत आसानी होगा। फिर थोड़ा सा आपको इथिकल कंसिडरेशन पे ध्यान देना चाहिए कि कोई भी इथिकल गाइडलाइंस है आप उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, मतलब कि आप डुप्लीकेट काम कर तो नहीं रहे हैं। ये सब आपको इथिकल गाइडलाइंस में आता है, ये आपको देखना चाहिए आपके रिसर्च टॉपिक में प्लेगरिज्म हो रहा है कि नहीं। फिर आपको ये भी ध्यान देना चाहिए, अगर इंटरडिसिप्लिनरी आपका टॉपिक है तब आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, जिसमें 2-3 स्पेशलाइजेशन का काम होता है, इंक्लूड होता है, तो आपको जॉब मिलने में क्या होगा कि आप तीनों स्पेशलाइजेशन में अप्रोच कर सकते हैं जॉब के लिए, क्योंकि आपका इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च टॉपिक है, जिससे आपको क्या होगा कि आपको जॉब मिलने में तो आसानी होगा ही, आपका टॉपिक टोटली न्यू होगा और इनोवेटिव होगा। इससे क्या होगा कि एक नया एरिया आप डेवलप कर पाएगा, और कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आप ज्वाइन कीजिएगा तब आपको बहुत फायदा होगा फंड लेने में, गवर्नमेंट से भी और इंस्टीट्यूट से भी, आप पे गवर्नमेंट भी भरोसा करेगी, इंस्टीट्यूट भी भरोसा करेगी। अगर ऐसा पॉसिबल है तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए लास्ट में कंक्लूजन में आते हैं, तो देखिए अगर सुपरवाइजर के पास प्रोजेक्ट है तो ऑलरेडी टॉपिक डिसाइड हो चुका है, आपको कुछ दिमाग लाने का जरूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को पता नहीं है कि उनका इंटरेस्ट क्या है, तो देखिए आप लेटेस्ट एरिया चूज कीजिए, वहाँ पे आपको लिटरेचर सर्वे करना पड़ेगा, वहाँ से गैप एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आपके सुपरवाइजर आपके प्रोजेक्ट को थोड़ा रिफाइन करेंगे, क्योंकि आपने ब्रॉड रिसर्च टॉपिक ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। देखिए अगर इस टॉपिक को डिसाइड करने में कुछ एक्स्ट्रा मंथ भी लग जाता है तो जरूर टाइम इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इसके बेसिस पे आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट टिप बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब आप PhD में रिसर्च टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन जब आप पेपर पब्लिकेशन करने जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी एरिया में पेपर पब्लिकेशन ईजी होता है, किसी किसी एरिया पेपर पब्लिकेशन हार्ड होता है, तब आप क्या करते हैं कुछ कुछ चेंजेस करते हैं अपने टॉपिक, तब क्या होता है कि आपके पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग आपका रिसर्च टाइटल लास्ट में चेंज होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो रिसर्च टॉपिक शुरू में डिसाइड किया वही आपका लास्ट में भी रहेगा, ये चेंज होते रहेगा, साल दर साल ये चेंज होते रहेगा, और लास्ट में आपका रिसर्च टाइटल हो सकता है कम्प्लीटली भी चेंज हो। तो अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जो इस बात को लेकर टेंशन में है कि मेरा तो काम ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, आपका रिसर्च टाइटल रिसर्च टॉपिक भी धीरे धीरे चेंज होते चला जाता है अकॉर्डिंग टू योर पब्लिकेशन। तो जैसे आप पब्लिश कीजिएगा वैसे ही आपका रिसर्च टाइटल बनेगा। यहीं पे आप एक अच्छे सुपरवाइजर का रोल आता है कि जो वो टॉपिक डिसाइड कर देंगे, जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे वो चेंज नहीं होता है, वही फाइनलाइज होता है, लास्ट में आपका वही रिसर्च टाइटल भी होगा। अगर जो सुपरवाइजर बहुत वेल एक्सपर्टाइज नहीं है तो वहाँ पे ज़्यादा चांस है कि ऐसा हो सकता है कि आपका लास्ट में टॉपिक धीरे धीरे चेंज होता चले जाए और लास्ट में कुछ और ही टॉपिक बन के निकले, तो ऐसे भी टेंशन नहीं लेना है, वो भी टॉपिक डिमांडिंग होना चाहिए, पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग रिसर्च टाइटल चेंज हो जाता है कभी कभी, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, बस आपको उस बीच में आपको टेंशन नहीं लेना, आपका काम हो जाएगा। आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि जब आप PhD में एडमिशन ले लिए हैं तो आपका PhD हो ही जाएगा। होता है PhD में क्या क्या स्टेप्स है वो मैंने आपको बताया, PhD में एडमिशन ले लिए तो आपका PhD हो ही जाएगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।